नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 11 का गद्य खंड का पाठ 6 स्वीति में बारिश का पार्ट 3 समझाया, अब पार्ट 4 समझाऊंगी। लाहुल की तरह ही स्वीति में भी दो ही ऋतुएं होती है। कहीं मैंने षट ऋतुओं का बखान किया है, अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। यानी जून से सितंबर तक सिर्फ छोटी ही ऋतु बसंत ऋतु कहलाती है, बाकी ऋतु शीत ऋतु ही होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यानी इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। यानी बसंत ऋतु में ऐसे लगता है जैसे गर्मी हो, लेकिन उनकी रात ठंडी होती है। तो ठंडे में और क्या होगा, इससे भी ज़्यादा हम कल्पना के आधार पे कि इसकी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्मृति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जिसे शूल की तरह चुभती, इतनी अधिक ठंडी होने के कारण वहाँ जो हवाएं हैं वो तेज चलने लगती है और नदी नाले होते वो पानी से जम जाते हैं, पानी यानी बर्फ बन जाती है। स्मृति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे हैं, यहाँ बरखा बाहर नहीं है, यानी बारिश की कोई बाहर नहीं होती। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यहाँ कामीजनों का प्रिय प्रवास राजाओं का सा ठाट बनाकर आ पहुँचा। यहाँ पावस यहाँ नहीं पहुँचता। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमालय की यह मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता, लेखक कहते हैं कि इसकी लालिमा लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, वह यह जानते नहीं है कि बरसात में नदियां बहती है। बादल बरसते मस्त हाथी चिंगारते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी स्त्रियाँ रोने कलपती है, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। इस तरह का वहाँ का माहौल हो जाता है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलने वाला, पेड़ों की टहनियों बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राणी बनी हुई वर्षा ऋतु अपने मन की सब सांधे पूरी करे, तो शायद स्वीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता है। स्वीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साथ पूरी नहीं करती, धरती सूखी ठंडी और वंध्या रहती है। स्मृति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं दो किस्म का, जो एवं मटर और सरसों। इनमें जो मुख्य सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए
कूल है। ये नालियों पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जो है स्मृति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्मृति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्मृति में जल लीचा जाए, यानी जगह तो है वहाँ खेती करने के, लेकिन पानी की कमी होने के कारण वहाँ खेती नहीं। उसकी शर्त यह है कि वहाँ स्मृति में पानी को डाला जा सके, उलीचा यानी वहाँ से कला जा सके, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचा जाए। स्मृति में कोई फल नहीं होता, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी भी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्मृति विशेषकर नंगी और वीरान है। अधिक ठंडी होने के कारण वहाँ पर पेड़ भी नहीं होते, इसलिए चारों तरफ सुनसान सा रहता है। यहाँ वर्षा एक घटना है या सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, यानी लेखक वहाँ ठहरे हुए और रात के समय तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई खिड़की, लेकिन आधी रात का भी पिछला पैर है, इस समय कौन है। लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीनने लगा, यानी इतनी ठंडी हवा चल रही, तेज हवा चल रही थी कि हाथ और मुंह ठंडे हो गए थे। लेखक पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। उसे देख नहीं पा रहा था, सुन रहा था, अंधेरा ठंड और हवा का झोंका आ रहा था जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसे बूंदे पड़ रही थी, यानी बर्फ़ और ठंडी हवा आ रही है और बारिश भी हो रही है, उनकी बूंदे उनके ऊपर गिर रही है, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी, दुंग चैन को हवा बज रही थी, माँ शंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी, स्विति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। लेखक बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्मृति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। स्मृति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी, यानी बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब लेखक वहाँ गए थे तब बारिश हुई, तब स्मृति के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने चाय नाश्ता करके वहाँ से रवाना हो गए और उन्होंने कहा कि आज हमारी यात्रा सफल हुई क्योंकि स्मृति में बारिश हुई। थैंक यू।